यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है बिल्कुल। ओ भाई साहब, ये मान लो यूट्यूब पे फर्स्ट मैं ब्लॉगर हूँ जो ये रेस्टोरेंट और ये होटल कवर कर रहा हूँ। गाइज, जब बात आती है द मोस्ट लग्जरियस प्लेस इन जयपुर, काफी होटल्स आपने सुने होंगे, तो उनमें से एक होटल मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि है ओम टावर जयपुर। तो आज इसका पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने रूम टूर दिया अपना छोटा सा, बट इस व्लॉग में मैं आज आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ इस होटल के बारे में। पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा, 14 फ्लोर तक पूरा बताऊंगा कि क्या कैसे है। तो बस पूरा देखना इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, पूरा देखना इस वीडियो को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं आपको सबको होस्ट पुल के स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, आपके अपने YouTube चैनल चैनल गॉसिप्स पे। तो चलते हैं यहां से, हम ओम टावर का पूरा व्यू लेते हैं। सो लेट्स गो विद ब्यूटीफुल एंट्रेंस। उसके बाद आता है सामने बिल्कुल रिसेप्शन, बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ से मैंने अपनी की ले लिया है। तो अब मैं जाऊँगा अपने रूम में, रूम के बारे में बताऊँगा, रेस्टोरेंट के बारे में बताऊँगा, फूड के बारे में बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं, की ले लिया मैंने, तो चलते हैं आगे लिफ्ट से। तो चलते हैं इसके लिफ्ट में सीधा। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्यारी जगह जो है 14th फ्लोर पे, ओम रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। चलते हैं ऊपर। अब हम आ चुके हैं इस होटल की आन मान और शान में, जो कि है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जो कि है 14th फ्लोर पे, ये मान लो यूट्यूब पे फर्स्ट मैं ब्लॉगर हूँ जो ये रेस्टोरेंट और ये होटल कवर कर रहा हूँ। तो आ चुके हैं हम जयपुर की आन मान और शान में, ये है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, और पूरे जयपुर में ये एक ही है, इसके अलावा कोई रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट यहाँ नहीं है। 14th फ्लोर पे क्या लुक आता है, क्या व्यू आता है, मैं सारा दिखाता हूँ आपको अभी। और ये बहुत ही बढ़िया, और आपको पता है इस टाइम ये है बंद बिकॉज ऑफ द रीजन कोविड, आपको पता ही होगा। तो बट ये होटल है, ये पूरा देखो, मेरे को मैंने परमिशन लिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहुत ही प्यारा, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इधर। और अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत पहले बता दिया, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जर्नी गॉसिप्स यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ 14th फ्लोर का व्यू। नाइन्थ फ्लोर पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको मिलने वाला एक प्यारा सा बार एंड लॉन्ज यहाँ पे, जो इस टाइम है बंद, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से कि कितना अच्छा होगा। जब आप लिफ्ट से आएंगे बाहर, लिफ्ट से बाहर आते ही राइट लेंगे तो यहाँ से सामने बिल्कुल, तो वहाँ पे है बार इस टाइम, क्योंकि ये पूरा राउंड बंद है इस टाइम। और सामने है इसका काउंटर जहाँ पे फिलिंग वगैरह होती है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये इसका बार है इस टाइम, और बार से भी आता है बहुत बढ़िया व्यू। यही है बार बिल्कुल मेरे पीछे, इस टाइम ये बंद है इस टाइम, और यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। तो बस यही है, ये देखो ये इस टाइम क्लोज कर रखा है, वरना मैं आपको दिखाता। तो चलो मैं आपको इसके रूम्स दिखा देता हूँ। मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपको प्यार है राजस्थान से, तो यहाँ पर आने वाला आपको बहुत ही ज्यादा मजा, कल्चर का बहुत ही ज्यादा पैसा वसूल होटल है ये, तो मिल जाती है इसमें अलमीरा, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, और कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, बिस्लेरी दो मिल जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो चलो मैंने रूम आपको दिखा दिया, तो रूम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। कैसा लग रहा है ओम टावर का व्यू रूम, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पूरा टूर मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो ऊपर से यहाँ से फर्स्ट फ्लोर का व्यू आता है ऐसा। सो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये हैं ओम टावर के वाइस प्रेसिडेंट सर, आपका नाम क्या है? रॉबिन कृष्णा। हेलो सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना बढ़िया ट्रीटमेंट देने के लिए, हमें लग्जरी फील कराने के लिए। हमारा जो ट्रिप है जयपुर का सक्सेसफुल इसी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ योर सर्विस, होटल एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूंगा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, क्या आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आने के लिए, आप क्यों सजेस्ट करेंगे अपने ओम टावर में हमारे व्यूअर्स को? देखिए, एक तो लैंडमार्क है यहाँ का, अगर आप देखें तो एक आप कह भी सकते हैं कि एक तरह का जो कि मॉन्यूमेंट भी है। ओके, इस हिसाब से रिवॉल्विंग जो हमने कर रखा है, 14th फ्लोर है। ओके, 14th फ्लोर से तो आप पूरे शहर देख पाते हैं। ओके, पूरे जयपुर जो है की आपकी मुट्ठी में है यहाँ। बिल्कुल सर, लोकेशन भी बहुत प्यारी है, MI रोड बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और यहाँ से हवा महल वगैरह, सर यहाँ से नियरेस्ट कितनी कितनी दूर पे है?
5 माइल सारे अगर हम कहोगे तो 2 से 2.5 किलोमीटर की मेन सिटी में ही आता है सब कुछ मेन सिटी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर लगता है बफे, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग का और रात का भी तो यही लगता है बफे। देखो मैंने दिखाया था मेरे पिछले ब्लॉग में, डेवन के ब्लॉग में मैंने दिखाया था, तो वो यही था। तो फटाफट देखो, तो चलते अब हम इसके जिम की तरफ। तो जिम दिखाता हूँ, काफी प्यारी जिम है, छोटी सी जिम है, दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं अब इसकी जिम में। ये देखो इधर ये है, और मतलब एक नॉर्मल आप मॉर्निंग वर्कआउट कर सकते हैं इधर। ये देखो ये रहा इसका जिम पीछे मेरे, काफ़ी छोटा सा है बट बहुत ही प्यारा है। ये है कि आप बस आ सकते हैं सुबह सुबह, मन करे तो आपका ब्रेकफास्ट करने से पहले या बाद में। और यहाँ पे स्पा भी है, और वो है 409 से 413 में जो स्पा है इधर, वो भी बंद पड़ा है इस टाइम, बट जब आप आएंगे तो वो भी आपको ओपन मिलेगा। तो गाइज़ ये 2-3 चीज़ें हमने एक्सपीरियंस नहीं करी इधर, स्विमिंग पूल, स्पा वगैरह, तो ये बहुत ही अच्छी, अगर आप आते हैं उस टाइम पर जब ये सब ओपन होता है तो बस ज़रूर करना एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जब आओ तो ज़रूर कहना कि जर्नी गॉसिप्स की वीडियो देख के आए हैं, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है इस टाइम, बहुत ही ज्यादा। देखो व्यू, देखो पूरा जयपुर दिखता है। अगर यहाँ से आप जयपुर मेन सिटी का देखना चाहते हैं, यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक पूरा दिखता है, तो वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको इस होटल में। देरी मत करिए, फटाफट आ जाइए ओम टावर जयपुर में, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में इधर। तो गाइस ये था पूरा ओम टावर का व्यू इस टाइम, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने हर एक चीज दिखा दी, एक दो चीज नहीं थी स्टार्ट, और इनके ओनर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोऑपरेटिव था इधर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का ब्लॉग बना के, तो पूरा ब्लॉग और डे 1 डे 2 सारी की सीरीज देखना, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा उसकी, और लिंक मिल जाएंगे आपको सब डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं यहां से, दिस इज पुलकित, साइनिंग आउट फ्रॉम जैनी गॉसिप्स, बाय बाय।